नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। आज के दिन भी इसमें 1.5% अपसाइड जाकर मार्केट क्लोज किया है। और आपको पुराने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ना 40 रुपये का सपोर्ट लेवल काम करेगा और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये रेड कैनल जो था एक प्रॉफिट बुकिंग था, फिर दोबारा यहाँ पे 40 का बेस बनाकर दोबारा अपसाइड जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, इलेक्शन के टाइम पर ही बताया था, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में ना शुगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से एक अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसे MSP को लेकर अनाउंसमेंट होने वाला है, फिर इथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट का एक तरह से रूल आने वाला है, क्योंकि अभी ना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है। और क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बारिश हो रही है, तूफान बढ़ रहा है, जिसके हिसाब से बताया जा रहा है कि $100 तक क्रूड ऑयल पड़ जाएगा। तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट सुविधा आएगी ब्लेंडिंग को लेकर, इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चालू कर देगी और वैसे भी कर भी रही है, तो जो टारगेट है ना और भी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे हमको ना एक अच्छा लेवल है 40 रुपये का सपोर्ट लेवल यहाँ तक का, और यहाँ से फिर दोबारा अपसाइड हमको कहाँ तक रहेगा? पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 45। जैसे ये ब्रेकआउट लेता है यहाँ पे तो एक और मजबूती देखने को मिल सकता है, तो 50 रुपये तक का अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, इलेक्शन से बेस बनाकर कंटिन्यू अपसाइड चल भी रहा है। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं। अगर चैनल पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय सेल का कोई कंडीशन नहीं है। जय हिंद।